नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या वो पैसा आप जो इन्वेस्ट करते हैं क्या वो सिक्योर रहता है या नहीं रहता है? तो आज की इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आपको कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये बताऊंगा मैं आपको कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का क्या है वो सही तरीका, जिससे आप अपना पैसा बिल्कुल सिक्योर एंड एकदम सेव कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा BTC के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC प्राइस प्रेडिक्शन चलता हूँ और मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका मैं सबसे पहले TA करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सिस्टम चल रहा है BTC, तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है अभी 42,000 के करीब US डॉलर चल रहा है। और जैसा कि यहाँ तक जो है, सबसे पहली बार BTC डाउन हुआ एंड फिर यहाँ थोड़ा सा बराबर हुआ और आगे चल के फिर डाउन हुआ। तो अभी क्या सीन ये है कि ये जो है यहाँ तक इसका जो है अमाउंट रिसीव हुआ 41,000 के करीब आया और इसके बाद थोड़ा सा जो है पंप किया एंड फिर से डंप हुआ। तो आने वाले समय में ये क्या होगा, भाई थोड़ा सा जो है अभी ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। और क्या हो सकता है इसका, एक घंटे का अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो ऑलरेडी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है BTC, आपको कहाँ तक जो है इसका पैसा आपका जो है सेव है। अगर ये अमाउंट जो है अभी देख सकते हैं कि ये 40,500 के करीब आता है तो ये अमाउंट बिल्कुल जो है 40,800 तक बिल्कुल सेफ था। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर बाई चांस मार्केट जो है बिल्कुल मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा अगर जाके नीचे अगर गिरा तो ये जो है अमाउंट जो है अगर 40,500 तक आता है तो बिल्कुल सेव है। अन्यथा अगर इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है BTC इस जोन को करीब करीब 40,200 या फिर 300 जो भी इतने अमाउंट पर, तो ये अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन इसका एक फंडा ये भी हो सकता है कि अगर BTC अगर इस जोन को पहले ब्रेक कर दे, सबसे पहली बात 42,000 एंड देन सबसे अगला होगा इसका 43,000 और उसके बाद जो है 44,000 US डॉलर, अगर इसको ब्रेक करता है ना तो ये अपने आगे चल के जो है इसका जो है थोड़ा सा ऐसे डंप होगा एंड इसके बाद जो है आगे जाके थोड़ा सा ऐसे अप होगा। एंड सबसे अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस लाइन को, तो आगे चल के फिर अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो आगे चल के जो है ये ऑल टाइम बना हाई बना सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो ऑल टाइम अगर हाई बनाएगा ना तो सीधा जाके जो है इस जोन पर जो है टकराएगा। और इस पर मैं बता दूँ 46,000, और यहाँ पर जब आएगा इसके बाद थोड़ा सा जो है फिर से जो है डाउन होगा एंड देन फिर से रिकवर होगा ये अमाउंट। तो इस तरह से इसका जो है सिस्टम अभी वर्क करेगा। कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी कॉइन है, एक साथ जो है अप नहीं होता है। और अभी आगे मैं बात करूँ अगले कॉइन के बारे में, तो आपको किस कॉइन में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलता हूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ओपन करता हूँ, कॉइन मार्केट कैपिटल। और जैसे कि आप सभी को बताना मेरा काम है तो भाई लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ी सी विश्वास है हमारे पे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर कोई भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोई भी से जितने भी कॉइन है मार्केट में, जिस तरह से करीब करीब 1 से लेकर 500 रैंक तक जितने भी कॉइन है आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई भी ऐसा कॉइन में इन्वेस्ट ना करें जिसका मार्केट रैंक 2,000, 3,000, 4,000। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इसका रैंक जो है करीब, जैसे मान लीजिए इस टच, अब इसका मार्केट रैंक जो है करीब करीब 3,500 है, ठीक है, 3,500 रैंक पे है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत ये है कि इसका जो मालिक है ये कभी भी पैसा लेकर आपका गायब हो सकता है, ठीक है, समस्या ये है। और ऐसे कॉइन बहुत सारे ऐसे कॉइन आए उसके बाद जो है चले गए और कोई भी आपका पैसा सारा डूब सकता है और इसका कोई भी आज है और कल नहीं है। तो सबसे बड़ी पहली बात कि जैसे कि आपको कौन से कॉइन में पैसा अब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है मेटावर्स, सबसे पहली बात ओपन कर लीजिए, कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए।
डेफी, एनएफटी, मेटावर्स, पोलका डॉट, सोलाना, बीएससी, एवेंजर, तो इन सभी कॉइन में जो है अगर आप इसको ओपन करते हैं तो उसका जो ऊपर से जो भी 4 से 5 कॉइन है, जैसे कि मैंने मेटावर्स ओपन किया, आप माना को ले लीजिए, एएक्स ले लीजिए, ठीठा ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, इंजन कॉइन ले लीजिए, ऊपर से करीब करीब 6 से 7 कॉइन उठा लीजिए, ठीक है, जितने भी कॉइन है इन सब में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पोलका डॉट में आता हूँ, तो पोलका डॉट में क्या है कि इसमें जो है पोलका डॉट, चैन, कुसुमा, इस कंपाउंड, एंकर, इन सभी कॉइन में बिल्कुल सिक्योर है और काफ़ी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, 100% आपका पैसा डूबेगा नहीं और आने वाले समय में ये कॉइन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा इन सभी कॉइन में। उसके बाद डेफी पे अगर मैं आता हूँ, तो डेफी में अगर ऊपर से 4-5 कॉइन उठा लीजिए, कोई भी मसला नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल भी सिक्योर रहना है। तो इस टाइप के कॉइन में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा और उसके बाद ये पैसा आगे चलकर आपका अच्छा खासा जो है रिटर्न भी आपको देगा। सोलाना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पे ठीक USD, तो इसमें मत इन्वेस्ट कीजिएगा ये, तो क्योंकि USD है। सोलाना हो गया, लूना हो गया, चैन लिंक हो गया, बहुत बेस्ट बेस्ट कॉइन है, ठीक है दोस्तों। और इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि मेटावर्स का अगर कोई भी कॉइन है तो सबसे पहले अगर कोई मेटावर्स में भागेगा तो माना भागेगा सबसे पहले, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके भागेगा, तो इस तरह से आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो इस तरह से इस टाइप की कॉइन में जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहली बात कि जो भी अमाउंट लगाएं आप पहले मार्केट को TA कीजिए कि इस टाइम पर इस जोन पर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पता चले आप ऊपर जाकर ले लें उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए तो ऐसा नहीं, तब आपको अमाउंट जो है लॉस हो जाएगा। इस तरह से मार्केट अभी डाउन है, इस तरह से अभी बहुत सही टाइम है पैसा लगाने का। और एक प्रकार से ये भी सिस्टम है कि क्या ये मार्केट नीचे जा सकता है, ये आपको सोचना है और मेरा काम है कि वक्त वक्त पर आपको जानकारी देना। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।